मैंने इसके मसाले में ही नमक डाला हुआ है और वो थोड़ी ठंडी कर दी है। और अब ये दही में फेंट कर इसमें डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको दही इसमें डालना हो तो आलू के पत्ते थोड़े कम डालने चाहिए, क्योंकि नहीं तो आलू के पत्तों के कारण गले में खराश हो सकती है। और अगर आलू के पत्ते आप टेस्ट के लिए ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें इमली का पानी और वो भी थोड़ा जरा सा गाढ़ा बना के उसमें डालें तो गले में खराश नहीं आएगी। और इस प्रकार की ये जो मिक्स भाजी बनती है इसको रुशीची भाजी मराठ में कहते हैं। कारवारी और गोवा साइड के लोग मिक्स भाजी इस तरह नारियल पीस के जो बनाते हैं उसको वे लोग खतखते बोलते हैं। कोकण साइड के लोग इसको खतखता बोलते हैं। और केरला में इस तरह ग्रेटेड कोकोनट और वगैरह पीस कर बिना मसाले के जो मसाला डाल के मिक्स भाजियों की जो भाजी बनाते हैं उसको अवियल बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मिक्स भाजी में थोड़ा नारियल पीस के जो गुजराती लोग भाजी बनाते हैं उसको गुंधियो कहते हैं।